हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के क्वेश्चंस को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए अपीयर हो रहे हैं फॉर दिसंबर 2019। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और अगर आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का कंप्लीट कोर्स परचेस करना है फॉर दिसंबर 2019 सो वो भी आप हमारी वेबसाइट के थ्रू परचेस कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, शेड्यूल्ड बैंक इज अ बैंक विच इज। सो बेसिकली यहाँ पे पूछा गया आपका शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है। सो देखिए, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन गिवन है, नेशनलाइज, नॉन नेशनलाइज, बेस्ड एट फॉरेन कंट्री और इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI। सो देखिए, सबसे पहले हम इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर को समझते हैं। सो देखिए, यहाँ पे जो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है इसको गवर्न करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ओके, अब देखिए, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, इसके अंदर दो टाइप के बैंक्स क्लासिफाई किए गए हैं। सबसे पहला है आपका शेड्यूल्ड बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। ओके, सो यहाँ पे आपके पास दो टाइप के बैंक्स बताए गए हैं इसके अंदर। अब देखिए, यहाँ पे जो शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं ये सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI इसके अंदर मैंशन है, एंड जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक हैं ये सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI के अंदर नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे आपका इस तरीके से आप देखें तो यहाँ पे आपका आंसर तो यहाँ पे आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, दैट इज इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI। बट देखिए, यहाँ पे एक और आंसर इसका निकल सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आपके पास ऑप्शन गिवन होता ऑल ऑफ द अबव, ओके, सो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ द अबव भी आंसर होता, बिकॉज देखिए जो शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं इसके अंदर भी फर्दर आपकी क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर फॉरेन बैंक्स भी आते हैं आपके, नेशनलाइज बैंक्स भी आते हैं और यहाँ पे आपके प्राइवेट बैंक्स भी आते हैं। ओके, सो अगर हम शेड्यूल बैंक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके नेशनलाइज, नॉन नेशनलाइज, फॉरेन बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स, ये सारे टाइप के बैंक्स आपके शेड्यूल बैंक्स के अंदर आते हैं। अगर हम नॉन शेड्यूल बैंक्स की बात करें तो ये बेसिकली RBI के थ्रू गवर्न नहीं होते हैं और यहाँ पे इनको जो RBI के प्रोविजन्स हैं बैंकिंग के, इनसे कंप्लाई नहीं करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, नाबार्ड वाज इस्टेब्लिश्ड इन। सो नाबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था? सो इसको सबसे पहले नाबार्ड की फुल फॉर्म देख लेते हैं। सो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो देखिए, यहाँ पे आप नाम से क्लासिफाई कर रहे हैं एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, अब देखिए, ये कौन से प्लान में इस्टेब्लिश किया गया था? सो देखिए, आपको पता होगा बिफोर नीति आयोग जो कि 2015 में आया था, इससे पहले यहाँ पे प्लानिंग कमीशन होता था हमारा इंडिया के अंदर। ओके, अब ये देखिए, जो प्लानिंग कमीशन होता था इसके अंडर 5-year plans होते थे। तो जो 5-year plans थे इसके अंदर कौन से 5-year plan के अंदर नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था? तो सबसे पहले हम ये याद रखते हैं कि नाबार्ड कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था। सो नाबार्ड इस्टेब्लिश हुआ था 12th of July 1982 को, और अगर हम इस तरीके से देखें सो 1982 जिस 5-year plan के अंदर आएगा वही होगा आपका जो नाबार्ड के इस्टेब्लिशमेंट का 5-year plan होगा। सो देखिए, जो हमारा 6th plan था ये था 1980 से 1985 तक। ओके, सो यहाँ पे जो आपका नाबार्ड इस्टेब्लिश हुआ है 1982 में, इससे आप इजीली समझ सकते हैं तो जो नाबार्ड है आपका कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, 6th plan के अंदर। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। सो यहाँ पे आपको मैच करना है। यहाँ पे देखिए, रूरल क्रेडिट, तो रूरल क्रेडिट के लिए आपके पास ऑप्शन गिवन है नाबार्ड। तो देखिए, अगर हम नाबार्ड की फुल फॉर्म देखें सो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो देखिए, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए जो बैंक इस्टेब्लिश किया गया है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया है वो है आपका नाबार्ड। सो ये करेक्टली मैच है यहाँ पे। नाउ अब देखिए, इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए कौन सा है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI। देखिए,
यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है ये, सो ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस प्रोवाइड करता है, सो ये भी करेक्टली मैच है आपका। अब देखिए रूरल पॉवर्टी के लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन गिवन है SJSRY। सो देखिए SJSRY क्या है आपका, स्वर्ण जयंती, SWARNA स्वर्ण जयंती, शहरी रोजगार योजना। ओके सो देखिए यहाँ पे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार, बेसिकली यहाँ पे अर्बन एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, अर्बन। ओके और ये रूरल पॉवर्टी की बात कर रहा है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये इनकरेक्ट है, सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, सो देखिए एग्रीकल्चर के अंदर देखी जाती है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे जितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा लोग वर्क कर रहे होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, सो यहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मल्होत्रा कमेटी रिकमेंडेशन वेयर फॉर, सो मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन किसके रिगार्डिंग थी। सो आपके पास ऑप्शन है बैंकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड एंड NBFCs। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके अब देखिए मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सो देखिए ये आर एन मल्होत्रा के अंडर इसको कमेटी को फॉर्म किया गया था, और ये बेसिकली इसकी जो रिकमेंडेशन थी वो 1993 के अंदर आई थी। ओके अब ये 1993 के अंदर जो इनकी रिकमेंडेशन आई थी, इसके अंदर इन्होंने बोला था कि जो प्राइवेट सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर को भी एंट्री देनी चाहिए इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। सेकेंड इन्होंने ये भी कहा था कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, जो कि 1999 में इस्टेब्लिश कर दी गई थी। ओके सो ये कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे बेस्ड ऑन मल्होत्रा कमेटी रिकमेंडेशंस। सो आप इसको भी याद कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं। द IDBI ग्रांट एडवांसेस टू अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो IDBI क्या ग्रांट करता है, लाइन ऑफ क्रेडिट, लोन्स, बोथ ANB एंड नन ऑफ दीज। सो देखिए यहाँ पे जो IDBI है ये लाइन ऑफ क्रेडिट एंड लोन्स दोनों ही ग्रांट करता है, ठीक है, ये दोनों ही ग्रांट करता है। सो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके अब देखिए ये लाइन ऑफ क्रेडिट होती क्या है, देखिए लोन्स तो आप सबको ही जानते होंगे कि लोन्स जो है प्रोवाइड की जाती हैं, बट लाइन्स ऑफ क्रेडिट क्या होती है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, एक टाइम पीरियड होता है आपके पास, और इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आपको एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है जो कि आप विड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे IDBI की बात की गई है, सो आप IDBI से विड्रॉ कर सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक अमाउंट है, और ये जो स्पेसिफिक अमाउंट है आपको जरूरी नहीं है कि ये स्पेसिफिक अमाउंट एक साथ लेना है। सपोज यहाँ पे आपको फाइव ईयर के लिए 10 लाख का अमाउंट आपको लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड की गई है। सो यहाँ पे आपका पास 5 ईयर है, अगर मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर के अंदर 1 लाख ले रहे हैं, सेकेंड ईयर में आप 2 लाख ले रहे हैं, सो आपके पास स्टिल यहाँ पे आपके पास जो लाइन ऑफ क्रेडिट अवेलेबल है इसलिए आपके पास 7 लाख तक की अवेलेबल है। आप नेक्स्ट 3 ईयर्स तक 7 लाख तक का क्रेडिट ले सकते हैं फ्रॉम IDBI। सो इसको बोला जाता है लाइन ऑफ क्रेडिट, सो ये भी IDBI प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखनी है तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।